सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज से हमारा डेली ब्लॉग हो चुके हैं स्टार्ट। तो अभी हम अपने घर पे, तो टाइम हो चुका है सुबह के 9। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा शॉप पे, शॉप लगा के उसके बाद वापस पापा आ जाएंगे जब, तो फिर वापस घर आ जाएंगे। तो उसके बाद देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। तो गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ शॉप पे, तो यहाँ शॉप वगैरह पूरी लगा दी है, तो पापा का वेट करते हैं, पापा आते हैं फिर घर चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो गाइज, फाइनली अभी हम घर पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं सीधा अंदर रूम में। तो मम्मा को बोलते हैं ब्रेकफास्ट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी। मैं क्या गुड मॉर्निंग, वो एक मीम नहीं आई बड़ी तगड़ी, सही तरीके से बोलता है। और क्या हाल चाल? मैं बढ़िया, तू सुना? बढ़िया। नाश्ते पे क्या बनाया आज? लाइट वेट है। क्या है? कचौरी और चाय। कचौरी चाय डालो फिर। मैं क्या गुड मॉर्निंग जी। ओ भाई, क्या तुमसे एक मीम है बहुत तगड़ी, मैं आगे लगा दूंगा, ये देखो आप। सासरी काल ये कदमाउनी, देखिए मी भाई, कसम से इतनी तगड़ी है ना यार ये लड़का, इधर स्टाइल से बोलता ना गुड मॉर्निंग जी। तो गाइस, तो अब ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, चाय कचौरी आज ब्रेकफास्ट में, तो वो करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स की कॉल आ रही थी, वो बोर से कहीं चलने को, पर मेरा आज मूड नहीं था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ यार, तो आज जाने का मूड नहीं है। कल अगर प्लान बना तो फिर जाएंगे, देखते हैं क्या बनता क्या नहीं बनता आज के दिन में, जो भी करेंगे आपको बताएंगे। श्रेष्ठ है, ये आ चुकी है हमारी चाय और कचौरी। गरम 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 मुँह, इतनी गर्म थी है। चाय गर्मी होती है, मुँह सड़ गया। आज पता क्या है? पता है आपको क्या? रजौरी डे है। पता मुझे। तो गाइस, आज है रजौरी डे। रजौरी डे मतलब मतलब मुझे पता है कि आज के दिन, मतलब कि जब कबालियों ने हमारे रजौरी पे अटैक किया था ना, तो आज के दिन हमारा रजौरी आजाद हुआ था। ठीक है गाइस, तो काफी ज्यादा बलिदान दिया था लोगों, रजौरी के लोगों ने काफी बलिदान दिया था। ये हिस्ट्री मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, या पढ़ लो हमारे रजौरी डे की। तो आज बलिदान दिवस है मतलब हमारे रजौरी का, तो रजौरी में आज श्रद्धांजलि वगैरह काफ़ी जगह दी जा रही है, पार ALG ग्राउंड हो गया, जैसे बलिदान भवन में दी जाती है। नीचे बलिदान स्तंभ भी बना, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो काफ़ी प्यारा बना, मतलब अच्छा लग रहा मुझे। तहसील में पहले ऐसे ही होता था, टैंकी सी होती थी, आज कल जो वो बना ना बलिदान स्तंभ, मैं आपको आज बताऊंगा। तो जाएंगे शाम को, तो देखेंगे, चक्कर लगा के आपको बताएंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, जो मुंह सड़ गया है, तो थोड़ा ठंडा कर देते हैं, पंखा शंखा लगा देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। सो गाइस, फाइनली अभी हम जा रहे हैं विरता दादी के घर पे, आज विरता दादी के घर में है सत्संग, तो चलते हैं वहाँ पे। मम्मा की कॉल आ रही है बार बार, तो नीचे कुछ अंकल वेट कर रहे हैं, शायद से वो भी चलें। तो देखते हैं यार, नीचे जाते हैं विरता दादी के घर सत्संग में, तो जो भी आता आपको बताते हैं। देखते हैं कौन कौन आया हुआ सत्संग, उन्होंने किस लिए रखा है ये मुझे नहीं पता, तो जाते हैं और उनसे पूछ लेंगे यार सत्संग उनके घर पे रखा ही क्यों है, कोई ना कोई होगा तभी रखा ना गाइस। चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे है कौन कौन है। तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ विरता दादी के घर पे, तो यहाँ पे और सत्संग में चलते हैं, अंदर दर्शन कर लेते हैं, मठा वगैरह देख लेते हैं। तो ठीक है, ये पैरो जी भी गाल के बता दे, दूसरी पैरो ये है, तारो बन पैरो डांस कर। दोनों पारो है, पारो उसको लगाओ, उसको अभी हम अंदर आरती वगैरह करके आ चुके हैं। ये बने हुए पैरों दोनों, ऊपर भी जाओ, नीचे चल चल नीचे, ये गिरेंगे इनको बेस्ती पड़ती है, चल नीचे नीचे, तो तू भी चल नीचे, बार बार ऊपर चल जाते हैं, पड़ती है ना मार, फिर जी निकाल जी डांस के पैरों वाला, ये कर रहा है
क्या कर रहे हैं? वापिस कर, वापिस कर। अगली बार जवाहरनगर पर हो, ये बनेगा बाजार, ये बनेगा। ठीक है भाई, अभी हम बैठे हुए थे अंदर रूम पे, ये बोला व्लॉग बनाओ, क्या बोल? अब तू बना, बोल बोल ना, आप बनाते हो ना, आप बोल, क्या व्लॉग में क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, बोल ना। हेलो गाइस, मुझे बोलना हेलो गाइस। और हम व्लॉग शुरू करने लगे, हम व्लॉग शुरू करने लगे, आगे आगे व्लॉग व्लॉग नहीं दिखाओ, व्लॉग नहीं दिखाओ, देख रहे दिखाओ ना, तू बोल, बोलो जय, ये बोली, ये क्या, कौन सी, चले यार बोलो, ये ढोल लगाओ ना। गाइस अभी मैं हूं दादी के घर के छत के ऊपर, तो यहाँ पे हम खेलने लगे हैं बैट बॉल बच्चों के साथ, नहीं कौन का बैटिंग कौन करेगा, बैटिंग कौन करेगा, मैं भाई। बादल गरज रहे हैं, बारिश आने वाली है, मौसम देखो, ये देखो बारिश बस आने वाली है, अब चलते हैं घर भी चलना है यार, अंधेरा हो रहा है। और यहाँ से दादी के घर से व्यू चेक करो, ये देखो ये व्यू है दादी के घर से पूरा। और मधु क्या मंदिर बताते इनको, मैंने बता दिया, ओके तू पारो बन, बैठ से बैठ से बन, नहीं डांस डांस कर, हाँ वो बादल गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, बारिश आ गई, फिर बिजली भी, बिजली आई तो तुझे ले जाएगी ना, अगर बिजली तेरे ऊपर पड़ गई फिर मैं शॉट मार देगा, बैट से बिजली को, बिजली को मार, कैसे मारेगा, ओ परावा इधर मेरे को नहीं मारने को बोला, बिजली को मारने को बोला। भाई बादल गरज रहे हैं, मौसम बहुत कड़ा हुआ होगा, कहाँ पे कहाँ पे देखो भाई, इस तरफ तो पूरे अंधेरे हो गए, ये देखो, ये देखो यहाँ से पूरा, ये देखो पूरा कितने घर है यहाँ से दादी के घर से व्यू चेक करो, ऊपर ही बताया, ये देखो भाई साहब वो वहाँ का व्यू, ये देखो अभी सनसेट हुआ ना, ये देखो कितना प्यारा मौसम बना हुआ है वहाँ पे, बारिश हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा तेज़, ये देखो मैं अभी आपको बोल रहा ना, बारिश आने वाली है, अंदर आना, गिल्ला होगा, बीमार होगा, ये देखो भाई कितनी ज़्यादा बारिश हो गई है यार, बहुत ज़्यादा तेज है, अब घर निकलना था, बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई है, मम्मी घर नहीं निकलना, बाहर बारिश, रेन इज फॉलिंग चम चम चम, और कुछ इंग्लिश आपकी बड़ी सही है, पकोड़े खाने का बड़ा मजा आता है, पहले आप मुझे ये तो आश्वासन किस खुशी में रखा था, माधु का बर्थडे आज कहाँ से आया, वो बाईस को है, मैंने एडवांस में करवाया, तो बर्थडे की पार्टी भी रहती है ना, बिल्कुल आप आना जरूर, पक्का पक्का। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं घर पे, और नीचे दादी के घर से होके आए हैं, सत्संग हो चुका है खत्म, वो आपको उन्होंने बता ही दिया है कि क्यों रखा था सत्संग, तो अभी हम घर आ चुके हैं, मम्मा गए हैं बाजार कोई सामान लेने के लिए, तो अब मैं आ चुका हूँ घर पे, तो अब थोड़े रश में है घर पे, इस व्लॉग को हम यहाँ भी एंड कर देते हैं, होप कि आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा, जो मेरी आज की डेली रूटीन थी मैंने आपसे शेयर कर दी, ऐसी मेरी डेली की रूटीन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी डेली लाइफ रूटीन कैसी लग रही है।